के मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर में मां बेटी गंगा में समा गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार को हुए कर्मा धर्मा पर्व के अवशेष को गंगा में प्रवाहित करने मां बेटी गंगा घाट पहुंची थी। अवशेष प्रवाहित करने के दौरान बेटी का पैर फिसल गया, जिसके बाद वह गंगा में डूबने लगी, जिसे देख वहां मौजूद मां अपनी बेटी को बचाने के गंगा ने छलांग लगा दी। बचाने के क्रम में मां बेटी दोनों गंगा में समा गई। गंगा में डूबे मां बेटी की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के खासपुर पंचायत के चकिया टोला निवासी 39 वर्षीय लख श्मी देवी व 11 वर्षीय खुशबू कुमारी के रूप में हुई है। गंगा में मां बेटी की डूबने की सूचना आग की तरह आसपास के इलाके में फैल गई। लोगों की भारी भीड़ गंगा घाट किनारे इकट्ठा हो गई। वहां मौजूद लोगों ने मनेर पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही मनेर पुलिस मौके पर पहुंची और SDRF की टीम को सूचित किया। सूचना पाकर SDRF की टीम मौके पर पहुंच गंगा में डूबे मां बेटी की शव की खोजबीन में जुट गई है। देखिए, ये कर्मा पूजा था और मां बेटी दोनों जो है झाड़ बहाने के लिए गंगा जी सुबह आए थे और बेटी आगे झूठ लेके गई और पैर फिसल गया, गड्ढा गहरा पानी में चली गई। उसी के बचाने के क्रम में माँ भी पानी में छलांग लगाई और माँ बेटी दोनों डूब गई। हाँ, सारे प्रशासन की तरफ से काफी सहयोग मिल रहा है और सब लोग समय से आए यहाँ पर। माँ बेटी अपना कर्मा पर्व था, उसका झाड़ लोग लेकर के गंगा के किनारे आई और पानी में डुबाने के लिए बची गई। पैर फिसलने से बच्ची का पानी में ज्यादा थी, गहरा में चली गई। माँ बचाने के क्रम में भी बेचारी चली गई। हम लोग सूचना हुआ तो हम लोग 6 बजे यहाँ करीब आए। हाँ, पहचान हुई है कि लक्ष्मीया देवी उनका नाम है और उनका बच्ची का खुशबू नाम है और उनका पति का क्या सुनील राय नाम है। वो खासपुर का ही रहने वाले हैं, वार्ड नंबर 2 का।